Press the bell icon of the e-Pathshala channel and never miss another update. So now guys, it's the third part of this chapter, the end of bipolarity. यानी कि दो ध्रुवियों का अंत का दोस्तों ये पार्ट थ्री है. इससे पहले हमने इस चैप्टर के ऊपर दो पार्ट किए हुए हैं. पार्ट थ्री के बाद पार्ट फोर्थ भी ज़रूर आएगा जो वीडियो का लास्ट पार्ट होगा. पार्ट थ्री के अंदर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सोवियत गणराज्य था, दैट मीन जो सोवियत संघ था, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में USSR भी बोलते हैं, हिंदी में से हम सोवियत संघ समाजवादी गणराज्य बोलते हैं दोस्तों, इसके विघटन होने का एक कारण नहीं था. मतलब इतने साल से अगर ये अस्तित्व में था और जब कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच में कहीं ना कहीं जो कोल्ड वॉर था वो चल रहा था, लेकिन USSR ही कोलैप्स क्यों हुआ जबकि USA क्यों नहीं हुआ, जबकि USSR USA से टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे था. लेकिन समय के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आई थी और उसी के ऊपर हम फोकस करने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले इन लोगों ने एक्सपेंसिव आर्म रेस की कोशिश करी थी, क्योंकि अगर आपको पता हो तो 1953 के अंदर सबसे पहले मॉलिक्यूल टेस्टिंग की जो शुरुआत करी थी वो इन्होंने ही करी थी. सबसे पहले स्पेस के अंदर मिसाइल भेजने की बात जो करी थी वो इन्होंने ही करी थी. अगर ये लोग अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर इतना फोकस थे तो इनको अपना कहीं ना कहीं जनता के लिविंग स्टैंडर्ड पे भी ध्यान देना चाहिए था. अगर इतना सारा पैसा ये लोग आर्म रेंज पे लगा रहे थे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जनता की जो चाहते थी, या मैं बोल सकता हूँ उनके जो एस्पिरेशंस थे, वो पूरे नहीं हो पा रहे थे और ये लोग पूरी तरीके से आर्म रेस में लगे हुए थे. और यहाँ पे इकोनॉमिक एडवांस इन द वेस्ट, अब दोस्तों वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जो थी, इनको लगता था कि जो इकोनॉमिक जो है बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, जबकि ईस्टर्न मतलब जो ईस्टर्न साइड इनका पड़ता था उस समय इनके इधर के इलाके में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस थी नहीं, इकोनॉमिक इतना ज़्यादा एडवांस था ही नहीं. जबकि अगर आप USA के अंदर देखेंगे या वेस्टर्न यूरोप के जितने भी कंट्री हैं वहाँ की तरफ देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी जो इकोनॉमिक थी उनकी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही थी और इनकी इकोनॉमिक इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर रही थी. सबसे ज़्यादा ये लोग अनअकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चला रहे थे, क्योंकि जितने भी प्रीमियर्स या जितने भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हुए थे USSR के अंदर, वो हमेशा अनअकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलाते थे. उनको कभी भी ये पता नहीं होता था कि जनता से वो क्या सवाल करना है, जनता को कैसे जवाब देना है, या अगर कोई काम किया जा रहा था उसका हिसाब कौन रखेगा, कौन वो चीज़ों का जवाब मांगेगा. वहाँ पे USSR के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, बस नौकरशाही चल रही थी वहाँ पे, ब्यूरोक्रेसी से आप बोलते हैं. और केंद्रीय जो अधिकार होते थे वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ के सबसे बड़े हेड के पास ही होते थे. मिखाइल गॉर्बाचोव ने रिफॉर्म करने की कोशिश तो करी थी, लेकिन दोस्तों वो भी कहीं ना कहीं फ्लॉप हो गई थी. साथ में ये इसमें और रीज़न ये भी डाल सकता हूँ कि वहाँ पे कोई तरीके से एक सिंगल पार्टी सिस्टम था, इसकी वजह से जो USSR था वो कोलैप्स हुआ था. अगर इंस्टेंट रीज़न इमीडिएट कॉज की बात करें तो लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावना उस समय पैदा हो गई थी, जिस समय 1991 के अंदर बोरिस येल्त्सिन इलेक्शन जीते थे. उसके साथ साथ यूक्रेन, ब्रसेल्स और रशिया तो आज़ाद हुआ, लेकिन साथ में और नेशंस आज़ाद होने लगे थे, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लिथुनिया, यूक्रेन एंड जॉर्जिया. बाल्टिक रिपब्लिक के जितने नेशंस थे उन लोगों ने भी अपनी खुद की आज़ादी की मांग करी थी, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका था कि जब रशिया इतना बड़ा जो स्टेट है, इतना बड़ा जो कंट्री है, वो पूरी तरीके से कह रही है कि USSR की पॉलिसी ख़राब है, तो छोटी कंट्रियां क्यों इनके साथ अलायंस में आएंगी. तो उन लोगों ने भी कहा कि हम लोग भी आज़ाद होना चाहते हैं रशिया के बाद. दोस्तों जब USSR ख़त्म हुआ तो फ़ायदा बस ये हुआ कि पूरी तरीके से शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, पूरी तरीके से युद्ध ख़त्म हो गया था और लोग बिल्कुल टेंशन फ्री हो चुके थे, पूरा विश्व यूनिपोलर हो चुका था और शक्तियाँ जो पूरी तरीके से थी वो USA के हाथ में आ चुकी थी. USA वर्ल्ड ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री बन चुका था और यहाँ पे नए देशों का उदय होना चालू हो गया था. नए देश मतलब कि जैसे कि हमारा भारत था, साथ में अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रियाँ थी, वो टेंशन फ्री हो चुकी थी कि USSR बचा नहीं है, सिर्फ वर्ल्ड में मोस्ट पावरफुल कंट्री अमेरिका ही रह गया और वो अमेरिका जो है अब उनको उनके साथ हमें अच्छे रिलेशन बनाने की ज़रूरत है. लेकिन दोस्तों जो जो कंट्रियाँ रशिया या यूक्रेन या बेलारूस, लिथुआनिया, ये शुरुआत से USSR की साम्यवादी पॉलिसीज़ को अपनाती थी, लेकिन अगर इन्हें कैपिटलिज्म की तरफ जाना है तो इन्हें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी.
इसकी वजह से यूएसए ने पूरी तरीके से कोशिश करा एक शॉक थेरेपी चलाने की। शॉक थेरेपी एक ऐसी थेरेपी थी जो उस समय पे रशिया और मध्य एशिया की और पूर्वी यूरोप की जितनी भी कंट्रियां थी उन सभी कंट्रियों को ये बताना था कि आपको कहीं ना कहीं साम्यवादी विचारधारा से कहीं ना कहीं पूंजीवादी विचारधारा में ट्रांसफ़र संक्रमण होने की ज़रूरत है, ट्रांजिशन जिसे बोलते हैं वो होने की ज़रूरत है, जिसमें वर्ल्ड बैंक और IMF आपकी मदद करेगा। पेपर में 2 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर आता है कि शॉक थेरेपी है क्या। तो दोस्तों ये वही थेरेपी है जिसमें यूएसए ने पूरी तरीके से रशिया, मिडल एशिया और जो पूर्वी यूरोप है जैसे आप ईस्ट यूरोप बोलते हैं, इधर के देशों की जितनी भी कंट्रियां थी जो साम्यवादी विचारधारा को मानती थी उनको पूंजीवादी विचारधारा की तरफ ट्रांजिशन करने का काम शॉक थेरेपी ने ही करा था। और शॉक थेरेपी को वर्ल्ड बैंक और IMF जो है उसे फाइनेंस कर रहे थे, पैसा दे रहे थे। अब शॉक थेरेपी की खासियत ये थी कि उसने पूरी तरीके से जो शिफ्टिंग थी वो कैपिटलिज्म की तरफ कर दी थी, फ्री ट्रेड होने की कोशिश हो रही थी, जितने USSR से निकले हुए नेशंस थे अब वो रशिया USA के साथ फ्री ट्रेड कर सकते थे। और साथ में यहाँ पे जो साउथ ब्लॉक यानी कि जो मैं कह सकता हूँ कि जो सोवियत ब्लॉक है उसके बीच अब जो व्यापार हो रहा था कंट्री का आपस में अब वो नहीं होगा, वो फ्रीली पूरी तरीके से USA के साथ हो जाएगा, है ना। तो ये अच्छी बात थी। और साथ में जो हमारे वेस्टर्न जो रिलेशन ख़राब थे USSR की वजह से अब वो और ठीक होने लग जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे कुछ परिणाम सामने दिखे। जब शॉक थेरेपी हो रही थी दोस्तों तो उस समय USSR की बहुत सी ऐसी कंट्री थी जो साम्यवादी विचारधारा को पूरी तरीके से ख़त्म करना नहीं चाहती थी। कुछ कंट्रियाँ चाहती थी कि विचारधारा बनी रहे और साथ में हम इसके ऊपर थोड़े से इम्प्लीमेंट कर सके, लेकिन दोस्तों जो स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रीज थी वो सारी की सारी ख़त्म हो गई, सारी की सारी बिक गई, जिसे इतिहास में गैरेज सेल के नाम से भी जाना जाता है। 90% जो इंडस्ट्रीज थी दोस्तों वो पूरी की पूरी बिक चुकी थी क्योंकि वो स्टेट फंडेड थी और स्टेट के पास पैसा बचा नहीं था। स्टेट अब पूरी तरीके से डॉलर में बिजनेस कर रहा था, रूबल में बिजनेस नहीं कर रहा था वो इसी वजह से। अब यहाँ पे हाई इन्फ्लेशन हो गया, रूबल की वैल्यू गिर गई, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई, इसकी वजह से लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड गिर गया, लोग गरीब होने लगे, वेलफेयर सोसाइटी जितनी भी थी वो ख़त्म हो गई थी और वहाँ पे माफिया जो बड़े पैसे वाले माफिया लोग थे उनका ग्रुप बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया था। और साथ में दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे जो डिक्टेटरशिप प्रेसिडेंट की थी वो उस समय से ही काफ़ी हद में ज़्यादा थी और बाद में और ज़्यादा हो गई। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो गई, लोगों का जो बैंक के अंदर पैसा पड़ा हुआ था उस बैंक के पैसे कोई वैल्यू नहीं रह गई, इसी वजह से यहाँ पे जो नागरिक का जो युद्ध था, गृह युद्ध, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन सोवियत रिपब्लिक के अंदर आ चुकी थी। तो ये सिचुएशन आप देख सकते हैं। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम समझेंगे कि रशिया के साथ भारत का कैसा रिलेशन था, क्योंकि USSR के टूटने के बाद रशिया ही मोस्ट पावरफुल कंट्री बचा था, तो इसलिए हम रशिया के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि भारत के साथ उनका रिलेशन कैसा है, भारत को उनसे क्या फ़ायदा होता है और भारत से उनको क्या फ़ायदा होता है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं वीडियो के चौथे पार्ट में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एंड हैव अ नाइस डे। तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब ही बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में, वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।